अरे ये कल के अंदर हो। ओ पलटा पलटा पलटा, चाची जी ने यहाँ पर लगा रखे हैं गोभी के पेड़। रहे छोटे सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और हाँ, सुबह सुबह इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और हमारी माता जी खिजाने के लिए तैयार हो गई। ठंड बड़ी नहीं यार, ठंड बहुत है ठंड। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ ऊपर छत में मालार खेते कट्टे में। यह है यहाँ पर कट्टे में रखे हैं, ये इनको खाली करना है और उस कट्टे को नीचे फेंकना है। और जूते कल रात से ही हैं छत में, सूखने के लिए रखे थे कल। दोस्तों ये माला थी यहाँ पर पहले से और मैंने धोने के लिए रखी थी, धो के और मैंने दोबारा लगा दी यहाँ पर। पहले से यहाँ पर थी, अब बढ़िया लग रही है, नई चमक रही है धोने के बाद। तो दोस्तों सुबह सुबह इतनी ठंड पड़ गई है कि अभी पी रहा हूँ मैं चाय और हमारी चाची जी को देखो खिजाने के लिए तैयार हो गई, खिजा रही है अभी। पानी की बोतल लेके हाथ में, दरांती रस्सी है। मेरी चाची जी कह रही है कि तेरा काम यही है सुबह सुबह वीडियो बनाने का। निधि गुन्नू कहाँ गए थे? दुकान क्या लेने के लिए है गुन्नू? चीनी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, निधि यहाँ पर और सिमो दोनों कपड़े धो रहे हैं यहाँ पर सुबह सुबह अपने स्कूल के कपड़े। गुन्नू का मुंह 2000 अभी उधर, सिमो कपड़ों को छाल लिया और निधि उनसे ब्रश मार के मैल निकाल ली उनका, क्योंकि ये मिट्टी में बहुत खेलते हैं। और गुन्नू देखो जीभ दिखा के, उसकी जीभ दिखाने की आदत कहीं नहीं गई। इनको सारे काम आते हैं, घास काटना, कपड़े धोना, या अपना काम खुद ही करते हैं सारा। नहीं जैसे माँ खुद ही करते हैं ना अपना काम, लोगों की मम्मियाँ करती है, निधि से मुँह खुद ही कर लेते अपना काम। इनकी उम्र के बच्चे कुछ नहीं करते हैं ना सिमो, करते हैं तुम्हारी उम्र के बच्चे? करते हैं सिमो कह रही, हाँ करते हैं। दोस्तों अभी बज चुके हैं 9:30 और मैं जा रहा हूँ खेत दाल लेने के लिए। और यह है जूड़ा रस्सी जिस पे मेरे को दाल लानी है। आजकल डेली वही सीन चल रहा है, सुबह उठो फ्रेश फ्रेश हाथ में दो चल दो खेत। दोस्तों हमारी माता जी ने बोला तो ये खेत है कि यहाँ हूँ, यहाँ आना। अब ढूंढते हैं किधर है। ओ वो रहे हमारी माता जी, इन्होंने तो भौर भी लगा दिया है। अब जूड़ पे लगा लो, आज ही आई दोबारा आण में खिलाए तो ओ। दोस्तों सुबह सुबह खेत में आके हमारी माता जी बोल रही है कि फिर से दोबारा आना है। इस बहुत घास हो रही है बोला, इस खेत में देख सकते हैं यहाँ से घास है पूरी, नहीं तो बाद में सूख जाएगा बोला, इसलिए आप क्या करें दोबारा आना पड़ेगा मेरे को। नाश्ता तो फिर उसी के बाद देखा जाएगा हमारा, अभी नाश्ता बनाया भी नहीं है किसी ने ना। अच्छा हमारी माता जी कह रही है कि नाश्ता की छुट्टी है आज, आज से दिन में भात खाएंगे। दोस्तों हमारे अंकु भाई भट्ट लेके आ रहे, भट्ट काले भट्ट। और भाई कभी भारी होने, भारी होने से ये तो हल्को होने वाले सुसु क्यों रहना पूरा ना, वो तो बहुत भारी होने आदमी। अब कौच से ना भैया कह दो विषा देता का रहा है, विषा देता का रहा। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल की बात है, मैंने अपने छत में चढ़ा दी वहाँ से दाल और यहाँ पर रख दी है सूखने के लिए छत में। और इसके बाद मेरे को दोबारा जाना है खेत यही दाल लेने के लिए। तो चलते हैं फिर, आप थोड़ा आराम करते हैं उसके बाद चलेंगे फिर से। दोस्तों यहाँ पर है सुंटा, हमारी माता जी बोली है कि इसको टीप यहाँ से लेकर उधर तक है क्या, इतना सारा टीपना है, नहीं तो रोटी खुद ही बना ले बोला घर जाके। अब क्या बोले अपनी माता जी को, टीपना ही पड़ेंगे। झाले से मुँह पैर दूंगे पूरी बेल नहीं उपाड़ने बोला, बेल पूरी नहीं निकालनी है, बस एक एक का निकालना है ऐसे करे। दोस्तों यहाँ पर इतने टिप दिए मैंने और हमारी मेरी माता जी की पुरानी साड़ी का यूजेस देख सकते हो आप,
इसमें हम दालें भी ले जा सकते हैं ताकि दालें गिरे ना इधर उधर से, जो गिरे उसी में रहती है। और ये सूंटा भी टीप सकते हैं, कई यूजेज हैं इनके पुरानी साड़ियों के। और मेरी माता जी यहाँ पर भौर लगाने बैठ गई मेरा, क्योंकि मेरे को जाना है हमारे भैंस गाय भैंस अभी बाहर ही हैं, उनको धूप हो गई होगी। और कुछ हमने यहाँ पर टीप रखे है, ये हमारा वो है तिल, और कुछ तिल हमने यहाँ पर रखा है। ये दोस्तों आया तो मैं दाल लेने था, लेकिन मेरी माता ने मेरा लगा दिया घास का भौर। अब घास लेके जाऊंगा मैं सीधे यहाँ से गौशाले। तो दोस्तों हमारी माता जी को भौर लगाना नहीं आता है, मैं दो तीन बार ले गया और रास्ते में बहुत ढूंढ जा रहा मेरा बोला गिर जा रहा है। और मेरी माँ 55 साल की उम्र होगी अभी भी नहीं सीखी भौर लगाना रोट बना ले लिए। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अभी अपनी गौशाले में, और उनको धूप हो चुकी है आज। गेट भी आप लकड़ी की गेट बना रखी हमने, दरवाजा ही था ही पहले। ओह क्या, और हमारी भैंस को देख सकते हो उसको बहुत धूप हो गया है। अब उनको पानी पिलाएंगे, घास देंगे और फिर अंदर बांध देंगे, अंदर ही घास देंगे। ओ भाई इसको देखो ये खाने की कितनी वो पड़ी है इस पे। खोलेगा ना तुम ते पैर है गोठ है पता नहीं डर सकेल हवा। अच्छा तो दोस्तों अभी बज चुके 11:30 और हमारा नाश्ता नहीं हुआ है। तो मेरी माता जी अभी आई खेत से, इसके बाद वो बनाएंगे रोटियां। और इस मैंने चढ़ा दी इसमें सब्जी और इसमें अपने लिए चाय नाश्ते के लिए। दोस्तों अभी बज चुके 1 और मेरा नाश्ता नहीं हुआ अभी, और रंजू का उधर भात बन गया रंजू ने भात बना दिया है खेत से आने के बाद। और मैं करूँगा अभी नाश्ता, और हमारी माता जी के झाड़ू अभी मारा जा रहा है अंदर वहाँ पर, और मैं करता हूँ फिर नाश्ता। दोस्तों नाश्ता समझ लो आप, या दिन का खाना समझ लो, वही सब्जी चाय रोटी है। दोस्तों आज है संडे और ये तीनों नहाएंगे, और देख सकते दिव गुन्नू को नहला रही है यहाँ पर जुए जुए पड़ गए उसके सर में। क्या सिमु की क्या रखी सिमु की मुछा रखी है। दोस्तों यहाँ पर है हमारे काले भट्ट, आज इनको कूटना है। और यहाँ पर भी रखे हैं कुछ, इसको भी पहले हल्के हल्के से हल्के हल्के चोटें मारनी है ताकि उसके दाने निकल जाए, उसके बाद उसका चूरमा बनाना है चूरमा। दोस्तों अभी मैं वही भट्ट कूट रहा हूँ जिसको आप जानते होंगे काले भट्ट, जिसकी भट्ट की तरकवाणी सुनी होगी आपने, जिसके मस्त साग बनता है भट्ट की तरकवाणी। तरकवाणी जो उत्तराखंड में फेमस है काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों अभी मैंने कपड़े कुपड़े भी धो दिए हैं, यहाँ देखो टांग दिए हैं पूरे कपड़े यहाँ से लेकर और यहाँ तक सारे धो दिए अभी। तो दोस्तों ये हमारा फूल का पौधा, इस पर देख सकते हैं आप फूल लगने बैठ गए। ये कुछ उसके बीज भी आ रखे हैं, ये मेरे पापा जी या दादा जी लेके आए थे इसको। दोस्तों यहाँ पर रंजू को देखो रंजू छत में कूट रही है गहत, और सब लोग नीचे चौक में कूट रहे हैं वहाँ। रंजू स्पेशल है जो छत में कूट रही है गहत, कूट रही थे छेचा इतना तो चलता है। अरे ये कल के अंधा हो, ओ पलटा 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 यो के जाबे पलटा ना पहले। ओ जी आप कोटावे दोस्तों हमने लगा रखे, मेरी चाची जी ने यहाँ पर लगा रखे हैं गोभी के पेड़ ये रहे छोटे छोटे। ओके चो गोभी सो भी तो गोभी के डा चम पलता रहो
अच्छा ये वाले पुराने पेड़ हैं अभी लगाने हैं, बोला वहाँ पर रखे हैं वो लगाने हैं अभी। दोस्तों यहाँ पर हमारी माता जी काली भट्ट बता रहे हैं। और इन तीनों को देखो, उस समय से इनका नहीं कूटा गया अभी तक, खेल कर रहे तीनों। अभी दादी जी भी लग गई। दोस्तों यहाँ पर बूटा जा रहा है गेना, क्या कह सकते। दोस्तों ये मारने के लिए भी आता है, अभी देखना। चल 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 चलो चल 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 चल। तो दोस्तों अभी बच्चों के 6:30 और निधि से मोर गुनी की तीनों की सब्जी लगने बैठ गई। हाँ किस चीज की सब्जी बना रहे हो? करेला, हरी भुजी और करेले आलू के। अच्छा करेला भी छिल ले फिर। दोस्तों इसमें बनी है रात की चाय और इसमें रख रहे हैं हम चने की दाल और आलू प्याज टमाटर सब काट दिया। प्याज काट काटते आज मेरे आँख में आँसू आ गए, एक ही प्याज काटा जबकि। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं 9 और आज मेरे को बहुत खतरनाक भूख लग गई, क्योंकि दिन में हमने 1 बजे रोटी खाई थी और मेरी माँ ने तो अपने लिए भात बनाया लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और अभी खा रहा हूँ मैं रोटी और हमारा जो मैंने चने बनाए थे वो हैं, और हमारी मम्मी जी गरम गरम रोटियाँ बना रही हैं। तो दोस्तों खाना पीना भी हो चुका है और अब करूँगा ब्लॉग एडिटिंग। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं यहीं पर। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तीनों नहाएंगे और देख सकते हैं निधि गुन्नू हगाड़ को नहा ले नहला रही है यहाँ पर।